अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज हम बनाने जा रहे हैं पाया, और पाए की सबकी अपनी रेसिपी होती है, तो ये मेरी अपनी रेसिपी है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाया जाए। सबसे पहले हमें पाया को क्लीन करना है, और क्लीन करने का मेथड भी बहुत इजी होता है। सबसे पहले पाया जब भी आप लाएँ तो उसे गैस के ऊपर थोड़ा सा ऊपर से सेक लें, ताकि उसके ऊपर जो फैदर वगैरह लगा रहता है वो क्लीन हो जाए। उसके बाद उसमें आटा डाल करके उंगली या नाइफ की सहायता से अच्छे से तरीके से उसे क्लीन कर लें। फिर वो परफेक्ट तरीके से वो क्लीन हो जाता है, आप देख सकते हैं। तो पाया जो है हमने बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है, और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे तरीके से क्लीन हो गया है। तो अब हमने लिया है 5 लीटर का कुकर, उसमें हमने सारे पाए को प्लेस कर दिया है। और अब हमने थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड करना है। तो जिसके लिए हमने लिया है 2 तेज़पत्ता, 2 से 3 ऑलमोस्ट इलायची, और बड़ी इलायची हमने 2 लिया है। और उसके बाद दालचीनी भी ऐड किया है, और थोड़ा सा जावित्री का फूल जो होता है वो भी ऐड किया है। और पानी जो है इसमें हमेशा आपको थोड़ा सा ज़्यादा डालना रहता है, ताकि जब आप 8 से 9 जो भी विसल लगवाएं तो उसमें पानी की क्वांटिटी कम ना हो जाए। और बस अब हमें थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा डालना है, थोड़ा सा हल्दी और नमक। उसके बाद इसमें बस इसे कवर करना है, और बस 8 से 9 विसल लगवानी है। सो ऑलमोस्ट ये डन हो चुका है, और 8 से 9 विसल लगवाने के बाद इसके हाल जो होते हैं इस तरीके से होते हैं। और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से इसके जो कलर हो गए हैं चेंज, और पाया भी ऑलमोस्ट 80% तक की ये गल चुका है। हमें हमेशा पाए 80 to 75 तक के अभी इस स्टेप पे हमें गला लेना है। और बस अभी हमें थोड़ा सा बड़ा सा कोई बर्तन लेना है, और इसमें सारी चीज़ों को प्लेस करना है। तो अब हम जाते हैं ग्रेवी की तरफ, और ग्रेवी बनाने के लिए हमें यूज़ करना है यहाँ कुछ मसाले, जिसमें हमने यूज़ करना है तेज़पत्ता, इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, छोटी इलायची, गरम मसाला पाउडर, सौंफ का पाउडर, सौंठ, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, काले मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और फ्राइड ऑनियन, दही। और ये जो है ये है हमारे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये है हरी मिर्च का पेस्ट। और पाया मसाला ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी आप यूज़ करें नहीं करें। तो यहाँ हमने एक कुकर लिया है, और कुकर में ऑलमोस्ट हमने यूज़ किया है 3 टेबल स्पून ऑयल, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल ना यूज़ करें, अदरवाइज़ पाया बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। क्योंकि पाया जब बन जाता है तो उसके खुद के भी ऑयल डिस्चार्ज होते हैं। अब गरम हल्का सा करके हमें बस इलायची, लौंग और दालचीनी, यही सारे ऐड करने हैं, जो भी हमने मसाले लिए थे वो ऐड करने हैं। और बस इसे 2 से 3 सेकंड तक की फ्राई करना है। उसके बाद हमारे पास जो जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च का जो पेस्ट है उसे ऐड करना है, और उसे ऐड करने के बाद ऑलमोस्ट हमें 5 सेकंड तक की उसे फ्राई करना है। जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट है, हरी मिर्च का जो पेस्ट है, ऑलमोस्ट ये फ्राई हो चुका है। हमें इसे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। और उसके बाद हमने ऐड किया है कश्मीरी लाल मिर्च, ब्लैक पेपर पाउडर, उसके साथ ही हमने जीरा पाउडर और धनिया पाउडर भी ऐड किया है।
और बस इसे ऐड करके फिर इसे भी अच्छे तरीके से हमें चलाते रहना है। और ख्याल रखें कि नीचे से जली ना, अदरवाइज़ टेस्ट पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा। तो जब भी आपको लगे कि ये नीचे से थोड़ा सा चिपक रहा है, तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे कंटिन्यू भूनते रहें ताकि ये अंदर से जल ना जाए। अच्छे तरीके से पानी डालकर हमने इसे अच्छे तरीके से भून लिया है। और अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं सौंफ का पाउडर और सॉल्ट का पाउडर। इसे भी हम 2 से 3 सेकेंड के लिए ही फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे फ्राइड ऑनियन। फ्राइड ऑनियन जो होता है बहुत ज़रूरी होता है। इनफेक्ट पाया में अगर आप पाया हो या निहारी में अगर आपने ऑनियन नहीं डाला तो फिर क्या डाला। तो बस अब इसे भी ऐड करना है और अच्छे तरीके से इसे फ्राई करना है, क्योंकि इसके बाद हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं दही। दही बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और दही को जब भी आप डालें तो इसे डालने के बाद आप रुक नहीं सकते। ऑलमोस्ट 5 से 6 मिनट तक की आपको इसे कंटिन्यू स्टेयर करते रहना, चलाते रहना है ताकि ये अंदर से फट ना जाए, अदरवाइज़ पूरी तरीके से पाया का जो टेस्ट होता है ना वो ख़राब हो जाता है। तो इसे इसी तरीके से चलाते रहना है और जब ये अच्छे तरीके से भुन जाएगा तो हमने जो पाया ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ था उसके बोन्स को हम इसमें डालेंगे और अच्छे तरीके से फिर इसे भी 10 मिनट तक की हमें भुनना है। तो आप देख सकती हैं सारे हम इसमें अभी प्लेस कर रहे हैं पाया के बोन्स और इसे अब कुछ देर तक ही हम भूनते रहेंगे कंटिन्यू। ऑलमोस्ट ये फ्राई कर लिया हमने और अब हम डालेंगे इसमें पाया मसाला। पाया मसाला जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, अदरवाइज़ टेस्ट वैसे भी इसकी उम्दा ही आएंगे। तो ये मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ था तो मैंने सोचा कि ऐड कर लिया जाए। और इसे भी मैंने डाल करके थोड़ा सा अच्छे तरीके से भुना है और पाया को जो हमने ऑलरेडी पानी बना करके रखा था उसे भी फिर 1 कप डाल करके फिर भुना है इसके साथ। सब कुछ डन हो चुका है और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो पानी था उसे, बट इसके अंदर जो स्पाइसेस हैं उसे हम ऑलरेडी थोड़ा सा छान लेंगे, अदरवाइज़ मुंह पे बहुत ज़्यादा गंदा लगता है इस तरीके से जब आता है तो मसाला। तो इस तरीके से हम इसे अलग से छान लेते हैं और बाकी जो मसाले हैं वो भी ऐड कर देंगे, जो कि इस स्टेप पे हम सबसे लास्ट में हमें डालना है गरम मसाला। बस इसे डाल करके और अब हम इसे कवर कर देंगे और ऑलमोस्ट 4 से 5 सीटी फिर से हम विसल लगवाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये भी डन हो चुका है और अब इसे खोलते हैं। माशाल्लाह से पाया जो है वो रेडी हो चुका है, तो चलिए इसे सर्व करते हैं। और साथ ही साथ सर्विंग में हमने लिया है एक बॉल और उसके साथ साइड में आप देख सकते हैं हमने कुछ लीव्स लिए हैं और फ्राइड ऑनियन, जहाँ हमने लिया है पुदीना का पत्ता और धनिया पत्ता और थोड़ा सा हमने लेमन। और ये सब चीज़ें जब आप मिला के खाए ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप देख सकते हैं कलर बहुत प्यारा आया है, यकीन माने टेस्ट भी उतना ही अच्छा आएगा। वैसे तो मैंने अभी टेस्ट नहीं किया है बट खुशबू से और बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस ये है पाया की रेसिपी और ये जो रेसिपी है आप प्लीज़ ट्राई करें और मुझे बताएं कि कैसा बना है। तो बस इसी के साथ मैं ये आज का रेसिपी जो है यहाँ एंड करती हूँ। और आप भी अपना ख्याल रखें और ठंड का मौसम है, प्लीज़ अच्छे से रहें, सेफ़ रहें। तो बस आज का वीडियो यहीं मैं एंड करती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ की गुजारिश।